हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके नेक्स्ट टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉरफीट ऑफ शेयर विच वर इश्यूड एट पार, इस कंडीशन को डिस्कस किया था। तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली YouTube पर कॉमर्स विद रश्मि टाइप करना है, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और उसमें आपको प्लेलिस्ट पर जाना है तो वहाँ सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कहाँ वीडियो है और कैसे आपको ओपन करना है। तो जस्ट गो टू प्लेलिस्ट एंड सेलेक्ट द वीडियो। ओके, सो आर टॉपिक इज फॉरफिट ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। ऐसे शेयर को फॉरफिट करना जो इशू प्रीमियम पर हुए थे, तो उस टाइम पे कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है, क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब शेयर प्रीमियम पर इश्यू करती है कंपनी, तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन होती हैं फॉरफिट के टाइम पर। फर्स्ट कंडीशन हो जाती है व्हेन प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ऑलरेडी पेड। जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर होल्डर पे कर चुका था और उसके बाद कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि सपोज प्रीमियम अलॉटमेंट पर था लेकिन शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे कर चुका था, तो ये कंडीशन होती है हमारी व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज बीन पेड। ओके, तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिजर्व का अमाउंट पे कर दिया हो और उसके बाद शेयर को फॉरफिट किया गया हो। सेकेंड कंडीशन हो जाती है व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ था तभी कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो मोस्टली हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पर कॉल किया जाता है, अलॉटमेंट पर मांगा जाता है। तो अगर अलॉटमेंट के साथ किसी का एरियर है, इसका मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट भी पे नहीं किया, या फिर फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम मांगा है और वहाँ पर एरियर है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉल नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो जहां पर प्रीमियम है वहीं पर अगर एरियर आ जाए तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो इन दोनों कंडीशन की ट्रांजेक्शन्स या जनरल एंट्री अलग अलग होती हैं, तो मैं वन बाय वन आपको वो बताती हूँ कि कैसे हम एंट्री बनाएंगे जब प्रीमियम पे कर दिया हो और जब प्रीमियम नहीं दिया हो। तो फर्स्ट कंडीशन When security premium reserve has been received, तो इसके लिए जनरल बनती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स और टू शेयर फॉरफिट अकाउंट या फॉरफिट शेयर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें अमाउंट लेना होता है कॉल्ड अप, लेकिन प्रीमियम को हम उसमें से लेस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कॉल्ड अप, उसमें से प्रीमियम हटाकर जितना अमाउंट आएगा यहाँ पर उसी से एंट्री बनाई जाएगी, उसी से अमाउंट निकाला जाएगा। कॉल्ड अप अमाउंट मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने बताया है, क्लियर किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ कोई डाउट है तो पहले उस वीडियो को एक बार देखें और फिर इसे कंटिन्यू करें। शेयर अलॉटमेंट में हमें अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट या एरियर अमाउंट यहाँ शो करना होता है, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सेम अगर कॉल नहीं दी तो हम कॉल का अनपेड अमाउंट दिखाएंगे, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल। और ये फॉरफिट शेयर अकाउंट, इसमें जितना भी अमाउंट रिसीव हो चुका है उसमें से प्रीमियम को लेस करके तब दिखाया जाता है। तो ये एंट्री केवल फॉरफिट शेयर की बनती है, सभी शेयर्स के लिए नहीं बनेगी। जितने शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं उन शेयर से ये एंट्री पास की जाती है। ओके, तो उन शेयर पर जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ होगा लेस प्रीमियम, वो हम यहाँ फॉरफिट शेयर अकाउंट में शो करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी व्हेन एसपीआर हैज नॉट बीन रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो इस टाइम पे हमारी जनरल थोड़ा सा चेंज है, मोस्टली सेम है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो उस प्रीमियम को कंपनी लॉस शो करेगी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू फॉरफिट शेयर अकाउंट, सेम है। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें अमाउंट कॉल्ड अप लेना है लेकिन प्रीमियम लेस करके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप लेना है
लेकिन जो रिसीव नहीं हुआ, मीन्स प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, कंपनी ने मांगा है लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अनपेड निकालना है। सेम यहाँ शेयर कॉल्स पर कॉल्स का अनपेड निकालना है, और फॉरफिट शेयर पर जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उनका पेड अप अमाउंट निकालना है, कितना उनसे रिसीव हुआ है, और उसमें से प्रीमियम को डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जनरल्स हैं दोनों कंडीशन में। अब मैं इन दोनों जनरल्स या इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं टी एस ग्रेवाल बुक यूज़ कर रही हूँ, पेज नंबर 8.122, फॉरफिट ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यूपी सुगर वर्क्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1st January 2014 विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 15 लाख डिवाइडेड इंटू 15,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी इशूड ऑन 1st April 2014 5,000 shares of 100 each at a premium of 5 per share, payable 25 on application, 30 including premium on allotment, and balance into equal installment of 25 each on 1st April and 1st October. All the allotment and call money was paid when due, except in case of one shareholder who failed to pay final call of 100 share held by him. तो इसमें 100 शेयर उसके पास थे जिसने प्रीमियम नहीं दिया है। हिज शेयर वाज फॉरफिटेड ऑन 1st November आफ्टर गिविंग हिम अ ड्यू नोटिस शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स। तो ये हमारा प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देखिए एरियर कहाँ पर है, फेल टू पे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर एरियर है, और प्रीमियम किस पर मांगा गया है, अलॉटमेंट पर, मतलब उसने अलॉटमेंट पे की है। तो अलॉटमेंट पे की है तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी पे किया होगा, क्योंकि उसका एरियर फाइनल कॉल पर आया है ना कि अलॉटमेंट पर। तो ये हमारी कंडीशन है व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं करती हूँ, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन के एक शॉर्ट नोट बना लिया है, रफ नोट, जिससे हमें हेल्प होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 5,000 शेयर्स थे, 100 का शेयर था, 5 रुपीज़ का प्रीमियम था, 25 एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 30 अलॉटमेंट पर जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो प्रीमियम 5 का है तो अलॉटमेंट हो गए 25, कॉल 25 और 25 की फाइनल कॉल। ओके, अब हमें इसकी एंट्री बनानी है, हमें स्पेशल नहीं बोला गया है कि केवल फॉरफिट की एंट्री बनानी है, तो हम इसे पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। ओके, सो 2014 हम बात करेंगे अप्रैल की, कंपनी ने अप्रैल में शेयर इशू किए हैं। सो पहले शेयर इशू करने की एंट्री, हमारी जो कंपनी के पास अमाउंट रिसीव होगा तो 5,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन कितना है 25। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 5,000 इंटू 25 ये आ जाएगा आपका 1,25,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री ले लेते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के सामने 125 है तो 125,000, अगेन 125,000। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप प्लीज एब्रिवेशन यूज नहीं करना, आप पूरा इसका पूरा नाम लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, सो अलॉटमेंट है हमारी 30, जिसमें टोटल अलॉटमेंट जिसमें से प्रीमियम है 5, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 25, और शेयर्स हमारे 5,000। सो 5,000 इंटू 30 ये आपका आ जाएगा 150,000, 5,000 इंटू 25 125,000, एंड 5,000 इंटू 5 25,000। ठीक है, ये हमने यहाँ 5,000 से मल्टीप्लाई कर दी सभी में, क्योंकि शेयर्स कंपनी के पास 5,000 है। नेक्स्ट इसकी बैंक वाली एंट्री बना देंगे,
bank account debit, to share allotment account. अलॉटमेंट के सामने कितना अमाउंट है 150, तो यहां पर भी अमाउंट कितना आ जाएगा 150,000। नेक्स्ट हम कॉल की एंट्री बना लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स हैं 5,000, फर्स्ट कॉल है 25, तो अगेन कितना अमाउंट आ जाएगा 125,000। बैंक की एंट्री रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो सेम अमाउंट 125,000 और यहाँ 125,000। ये हमारी फर्स्ट कॉल तक हो गई, अब हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बना लेते हैं। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर भी हमारा 25 ही है, तो अगेन सेम अमाउंट 125,000 और 125,000। अब हम इसकी रिसीव्ड वाली एंट्री बनाएंगे, तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एरियर था, एरियर आया था इसमें, तो कॉल सेल एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 100 शेयर्स का एरियर है, ठीक है। सो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी थी 125,000, ओके, और इसमें एरियर है 100 शेयर का और कॉल है 25 की, तो टोटल एरियर कितना हो गया 2500। अब इसमें से 2500 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 12250, एक मिनट, 2500। क्लियर, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें बनानी है फॉरफिट की एंट्री, हमारी मेन एंट्री। तो यहाँ प्रीमियम पे कर चुकी है कंपनी, शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया है, तो एंट्री कौन सी बनती थी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप एक बार एंट्री चेक कर लेना पीछे, हम यहाँ प्रीमियम शो नहीं करेंगे, प्रीमियम तभी शो करना है जब प्रीमियम अनपेड हो, नॉट रिसीव्ड हो। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या नहीं दिया, सॉरी शेयर होल्डर ने क्या पे नहीं किया, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो कॉल अनपेड होती है वही कॉल यहाँ शो की जाती है, और यहाँ पर टू शेयर फॉरफिट अकाउंट या फॉरफिट शेयर अकाउंट। तो यहाँ तक हमें इसमें क्या लेना है, हमें कॉल्डअप, कॉल्डअप कहाँ तक लेना है, जहाँ तक कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल तक हमारा कॉल्डअप है 100 शेयर पर 100 रुपीज। ये फॉरफिट की एंट्री है इसलिए फॉरफिट शेयर से बनेगी, इसलिए मैं 100 से बना रही हूँ। सेकंड एंड फाइनल कॉल थी 25 की, जिस जो अनपेड है, यहाँ पर प्रीमियम पेड, पेड कितना है 75, हमने प्रीमियम को काउंट नहीं किया, ठीक है, हम प्रीमियम नहीं ले रहे हैं। तो शेयर कितने का है 100, हमने प्रीमियम हटा दिया, लेस कर दिया प्रीमियम, वैसे शेयर कितने का था 105 का, लेकिन हमने प्रीमियम लेस कर दिया तो शेयर कितने का हो गया 100, ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी है 25, तो 100 माइनस 25 पेड अप अमाउंट कितना आ गया 75, ओके। हमने यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया, सेम हमने यहाँ पर भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया, जैसे अगर हम प्रीमियम इंक्लूड करेंगे तो शेयर फॉरफिट अमाउंट पेड अप अमाउंट है 80, 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट और 25 फर्स्ट कॉल, ओके, लेकिन हमने प्रीमियम लेस कर दिया 5 रुपीज का, तो पेड अप अमाउंट कितना हुआ 75। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000, 2500 और यहाँ 7500। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ऐसे बनती है हमारी फॉरफिट एंट्री, ओके। तो ये था केस नंबर 1, व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम एंड सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व हैज़ बीन रिसीव्ड। सेकेंड केस हम करते हैं जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड नहीं होगा। सो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 41 ले रही हूँ यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड आउट करिए और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, यहाँ प्रीमियम है अलॉटमेंट पर और एरियर 200 शेयर्स का है। किस पर है? वो भी अलॉटमेंट पर, मतलब अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी पे नहीं किया। तो ये हमारी कंडीशन कौन सी है? व्हेन प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, मैं इसका सॉल्यूशन अभी करती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट बना लिया। 10,000 शेयर्स थे, 10 ईच था, 3 का प्रीमियम था, 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसमें अलॉटमेंट पर 200 शेयर्स कैरियर है, फर्स्ट कॉल पर 300 शेयर्स कैरियर है और कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं जिसने दोनों कॉल पे नहीं की, मतलब ना तो अलॉटमेंट दिया हो ना फर्स्ट कॉल दिया हो। तो ऐसे शेयर हमारे ये वाले शेयर हैं 200 शेयर, इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है। ठीक है, तो फॉरफिट की एंट्री हमारी 200 शेयर से बनेगी। ओके, कंपनी ने फॉरफिट कहाँ किया? लास्ट में। कंपनी क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 200 शेयर्स पर ना तो अलॉटमेंट पे है ना फर्स्ट कॉल, उन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना कि केवल फर्स्ट कॉल हम शो करेंगे, फर्स्ट और फाइनल दोनों कॉल पे नहीं की। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो ऑब्वियसली आंसर भी आपको समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट एंट्री हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सो यहां पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 10,000 शेयर है, 5 की एप्लीकेशन है तो अमाउंट आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 50,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट बना लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट टोटल कितने की है आपकी? 5, जिसमें से 2 कैपिटल में जाएगा और 3 सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, तो 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 5 5,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 3 30,000। ओके, अब इसकी रिसीट वाली एंट्री बना लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट हमारे 50,000, एरियर है हमारा इसमें 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स का, सो 200 शेयर्स का एरियर और अलॉटमेंट टोटल है 5 की, तो 200 इंटू 5,000, 50 माइनस 1,000 ये कितना जाएगा 49,000, ये हो गया हमारी रिसीव्ड एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। ओके, अब इसके हम फर्स्ट कॉल की एंट्री भी बना लेते हैं क्योंकि कंपनी ने अभी शेयर फॉरफिट नहीं किए। अगर कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट किए होते तो हम पहले फॉरफिट की एंट्री बनाते देन फर्स्ट कॉल की, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया तो इसलिए पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल है हमारी 3, तो 1000 इंटू 3 30,000। नाउ फर्स्ट कॉल की रिसीव्ड वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है 300 शेयर्स का, सो कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
सो फर्स्ट कॉल है हमारी 30,000, एरियर 300 शेयर और 3 की कॉल, तो कितने के हो गए 900, 300 शेयर इंटू 3 900, तो 30,000 माइनस 900 29,100। अब हमें बनानी है फॉरफिट की एंट्री, ठीक है। तो जब प्रीमियम पे नहीं होता उस टाइम फॉरफिट की एंट्री बनती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या क्या नहीं दिया इसने, टू शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे नहीं की, कॉल भी पे नहीं की, टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, ये दोनों पे नहीं की थी, तो दोनों कॉल हमने शो कर दिए यहाँ पर, और टू शेयर फॉरफिट अकाउंट या फॉरफिट शेयर अकाउंट, ओके। सो यहाँ तक फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप कितना है, हम कॉल्ड अप क्या लेते हैं, कॉल्ड अप लेस प्रीमियम, तो कॉल्ड अप कितना है टोटल 13, उसमें से प्रीमियम लेस कर देंगे तो 10, प्रीमियम कितने का है 3 का प्रीमियम, ओके। अलॉटमेंट विद प्रीमियम हमें यहाँ लेनी है, अलॉटमेंट कितने की है 5, फर्स्ट कॉल 3, ओके। तो अब यहाँ पर हमें देखना है डिफरेंस कितना आया, डेबिट साइड में कितना आ गया टोटल 13 और क्रेडिट साइड में 5 + 3 = 8, तो 13 - 8 कितना आएगा 5, ओके। शेयर्स कितने हैं फॉरफिट शेयर्स 200, कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो सभी की मल्टीप्लाई 200 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000, या 600, या 1000, 600, 1000, दोनों साइड हमारी इक्वल है। तो ये बन गई हमारी फॉरफिट की एंट्री व्हेन शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम। तो ये दोनों केस हमने सॉल्व किए हैं, तो इसी तरीके से एंट्री बनानी है। बस आपको याद रखना है अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को हम लेस कर देंगे, प्रीमियम पेड नहीं है तो उसे हमें शो करना है, ओके। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स उसमें से मिस हो जाएंगे और फिर आपको वीडियो क्लियर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, ओके। सो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसे पूरा देखें। और वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय।